नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को चटपटी मस्ती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब मैं हूं इस समय रसड़ा के महाराजपुर में और यहां पे नाथ बाबा की पूजा होता है जो कि शंकर वंश के लिए बहुत अहम रखता है। और ये पूजा कोई मामूली पूजा नहीं होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये शंकर वंशों के लिए बहुत ही अहम होता है। यहाँ पर होता क्या है कि जो शंकर वंश के लोग होते हैं वो लोग जो लाठियों से पूजा करते हैं, अपनी लाठियों से अपनी पराक्रम और अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं यहाँ पे, वो किसी युद्ध के लिए नहीं करते हैं, बस अपने शौर्य को दिखाते हैं और अपने ताकत को दिखाते हैं। तो चलिए आपको फिर हम कल आपको मिलते हैं, फिर यहाँ के पूजा का पूरा दृश्य दिखाएंगे। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं घर से महाराजपुर जाने के लिए, वहाँ पर मंदिर को देखने के लिए सुबह सुबह ही निकले हैं। चलिए चल के आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा, देखते हैं कि कितने श्रद्धालु पहुँचे और क्या है वहाँ का दृश्य। जैसा कि दोस्तों आप लोग दिख रहे हैं, मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ महाराजपुर नाथ बाबा के मंदिर पे। आपको पीछे का दृश्य दिख रहा होगा कैसे संख्या लाखों में संख्या जुट रही है यहाँ पे और ये लोग लाठियों से पूजा कर रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, कल ये पूजा है, एक दिन पहले मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो यहाँ के जो महाराज जी हैं मैं इनसे पूछता हूँ और आपको बताता हूँ यहाँ के बारे में। हाँ महाराज, ये बताइए कि ये पूजा जो है कितने सालों से चल रही है यहाँ पे? पूजा बहुत पूर्वजों के ज़माना से, बहुत पुराना ये पूजा है। अच्छा, यहाँ पर जो पूजा होती है लाठियों से ही क्यों पूजा की जाती है? ये जो ये नाथ बाबा हैं, नाथ बाबा को जो हम लोग पूजा करते थे तो जजिया कर जब लगी थी तो अपने लाठी डंटों से ही इन्होंने डांट फटकार करके जजिया कर को माफ़ कराया, इसलिए हम लोग इनका उसी से पूजा करते हैं। अच्छा, ये जैसे लाठियों से पूजा करते हैं तो ये लोग जो लाठियाँ लेकर आते हैं तो किस चीज़ को प्रदर्शन करते हैं, क्या चीज़ दिखाने के लिए? वो लाठी जब लोग अपने गाँव से लेकर के चलते हैं तो एक मैंने दो दो सौ चार चार सौ पाँच पाँच सौ लाठियों ले करके उसी लाठी को बजाते हुए लड़ाते हुए और उस लाठी पर लोग चढ़ भी जाते हैं, किसी का ना कोई चोट लगता है ना कुछ होता है। ये बाबा की कृपा है कि सब लोग आनंद से आते हैं, पंचकर्मा करते हैं, प्रसाद लेते हैं, ले करके चले जाते हैं। अच्छा, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं तो किसी प्रकार का कोई भय या डर तो कोई बात हो जाए? ना कुछ नहीं हो पाएगा, न यहाँ प्रशासन की कोई आवश्यकता लगती है ना कुछ नहीं, कोई नहीं। लेकिन फिर भी जो है सरकार यहाँ कोई प्रशासन नहीं देते हैं? ना सर, प्रशासन के लिए सरकार का वो आए थे कैप्टन साहब, लेकिन कहे कि नहीं आप पूजा में आप आइए, सम्मिलित होइए, यहाँ प्रशासन की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पर संख्या लमसम कितनी जुटती है? यहाँ से कम 5 लाख की जनसंख्या जुटेगी।
तो यहाँ पे ये प्रसाद में सुने रूट पूजा के नाम से इसको प्रसिद्ध किया गया है, मतलब इसका क्या है? रूट इनको चढ़ता है, रूट इनको चढ़ता है। रूट यहाँ कुछ नहीं तो सैकड़ों हलवाई लगे थे, 15-16 रोज चले रातों दिन, बनाए मशीन से दावा दावा गया, वो पैकेट बना करके कोठरी में भर दिया गया है, जितने लोग आएंगे उनको प्रसाद दिया जाएगा। मात्रा कितनी थी? मात्रा 250 कुंटल। हाँ, आप यहाँ पर कार्यकर्ता के रूप में हैं? कार्यकर्ता के रूप में नहीं, यहीं का मैं महंत हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये पूजा मतलब कि हर रक्षाबंधन को पड़ता है कि कभी आगे पीछे? नहीं नहीं, यहाँ हमेशा रक्षाबंधन के दिन पड़ेगा। रक्षाबंधन? हाँ। देखिए ये प्रसाद जो है यहीं बना करके प्रतीत हुआ है, कुछ नहीं होगा तो 1400-1500 प्रतीत है। दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी मात्रा में प्रसाद बनाया गया है, आपको दिख रहा होगा पूरी मात्रा यहाँ के प्रसाद की, 250 कुंटल कोई कम मामूली बात नहीं होती है, 5 लाख जनसंख्या जुटना कोई अहम बात नहीं होती है, बहुत मायने रखता है ये चीज़। तो दोस्तों यही नज़ारा था यहाँ का, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर कभी मौका मिले तो इस जगह पर ज़रूर आइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो के साथ और नए जगह के साथ, फिलहाल के लिए गुड बाय।